फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। आज दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, फाइनेस्ट एंड अफोर्डेबल। आपके अफोर्डेबिलिटी में वो आएगा कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो कहीं पे भी आपको 50 लाख रुपए का 3 BHK नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं जहां पे 50 लाख रुपए में आपको 3 BHK के फ्लैट्स आप वहां पे ले सकते हो। हालांकि जो स्टार्टिंग प्राइस है उसकी 45 लाख रुपए से है, अदर चार्जेस वगैरह मिला के वो 50 लाख रुपए के आसपास ये आपका फ्लैट बैठता है। तो ये कौन सा एरिया है वो मैं आपको पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये जो फ्लैट और ये जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एनसीआर में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में हम ये प्रॉपर्टी लेके आए हैं। और राजनगर एक्सटेंशन आने वाले समय का अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन होने वाला है। हालांकि आज भी वहां पे ऐसी फैसिलिटीज हैं जो एनसीआर के अलग दूसरे इलाकों में वो नहीं है। तो क्या वो फैसिलिटीज है राजनगर में? नंबर वन कि रोड की कनेक्टिविटी कनॉट प्लेस से आप 22 मिनट में आप राजनगर एक्सटेंशन पहुंच सकते हो। सराय काले खां होते हुए एलिवेटेड रोड के द्वारा राजनगर आप पहुंच सकते हो। सो इट हैज गॉट एक्सीलेंट रोड कनेक्टिविटी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं मेट्रो की, तो जो रिठाला से लेके न्यू गाजियाबाद तक आता है वहीं पे हिंडन विहार का एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो लाइन रेड लाइन का है। सो मेट्रो की भी यहां पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है और किसी भी शहर को उठाने के लिए, किसी भी शहर को ग्रोथ देने के लिए उसका जो है एयर कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। वो शहर जिनमें की एविएशन बहुत प्रॉम्प्ट है, वो शहर ने चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो दिल्ली हो, अपार सफलता प्राप्त की है उन शहरों ने। और वहां की प्रॉपर्टी इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों को उसका अंदेशा तक नहीं था। सो राजनगर एक्सटेंशन में जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है जो 5.5 किलोमीटर के रेंज में, वो है हिंडन एयरपोर्ट। जो हिंडन का एयरफोर्स स्टेशन था वो सिविल एविएशन के लिए वहां पे खोल दिया गया है। हालांकि अभी वहां पे जो फ्लाइट्स हैं वो छोटे फ्लाइट्स वगैरह उड़ते हैं और छोटे शहरों को कनेक्टिविटी देती है। प्रधानमंत्री का जो योजना था उड़ान योजना, जिसमें कि इंडिया में 100 नए एयरपोर्ट्स बनाने थे, उसका ये पहला एयरपोर्ट था। 2019 के इलेक्शन से पहले ये ऑपरेशनल हो गया था और इसी साल से वहां जो बड़े फ्लाइट्स हैं, बोइंग फ्लाइट्स हैं 360, वो स्टार्ट हो जाएंगे उसका ऑपरेशन। जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूं वो प्रॉपर्टी है गुलमोहर, और गुलमोहर वाले इस प्रॉपर्टी को गुलमोहर गार्डन बना रहे हैं। और इसके जो डेवलपर हैं ये मिस्टर सुनील जिंदल हैं और ये बहुत सारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं। अगर मैं बात करता हूं होटल इंडस्ट्री की, तो होटल स्विस जो है गाजियाबाद में है ये इन्हीं का है। इसके अलावा विशेषरोया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इनका है, जिसमें कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनका कमर्शियल ऑलरेडी एक सक्सेसफुल चल रहा है गाजियाबाद, चौधरी मॉल बहुत फेमस है वहां पे, ऑपुलेंट मॉल। और अगर मैं रेसिडेंशियल की बात बाकी की बात करता हूं, तो इन्होंने जो डिलीवरी की है वो विला डिलीवरी की हुई है। उसके अलावा जो इंपीरियल है वो नेहरू नगर में डिलीवरी किया हुआ है, ओपोलेंट मॉल जैसे कि मैंने बताया गाजियाबाद में चौधरी मोड़ पे है। उसके अलावा जो गुलमोहर रेसिडेंसी है इनका इंदिरापुरम में डिलीवर्ड है, गुलमोहर गार्डन राजनगर एक्सटेंशन में है, गुलमोहर टावर जो है चिरंजीव विहार में है, और उसके अलावा गुलमोहर इनक्लेव जो है वो नेहरू नगर गाजियाबाद में है। और आज जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गुलमोहर गार्डन राजनगर एक्सटेंशन। सो राजनगर एक्सटेंशन में जो टोटल लैंड एरिया है वो 23 एकड़ का लैंड एरिया है और 23 एकड़ के लैंड एरिया में 25 टावर्स हम बना रहे हैं। 25 टावर्स में से जो है 23 टावर का हम सक्सेसफुली डिलीवरी दे चुके हैं। सो मात्र 2 टावर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो बेसिकली यहां पे आपको फ्लैट रेडी टू मूव में भी मिलेगा और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप फैसिलिटीज जान लीजिए। जितने भी अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज के बारे में जानते हैं, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो 3-tier सिक्योरिटी हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, हर एक प्रकार की सुविधा यहां पे ये है, ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर आप रेडी टू मूव इन में लेते हैं तो आपको वहां पे जीएसटी की बचत होगी। अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो आपको 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अगले 18 महीनों में आप पेमेंट कर सकते हैं जब तक ये फ्लैट तैयार होगा। 3 BHK का जो हमारा फ्लैट है
उसका जो साइज है वो 1290 स्क्वायर फीट का है और ये लगभग 45 लाख रुपए का इसका बेसिक प्राइस आपको आता है। सबसे खास बात, इसका जो पेमेंट प्लान है 50% पैसा आपको अभी देना है और 50% पैसा ऑन पोजीशन देना है। दूसरी बात, आपका यहां पे 80% बैंक लोन हो जाएगा, यानी कि 50 लाख रुपए का फ्लैट अगर ले रहे हैं तो 20% ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओसी, यानी कि 10 लाख रुपए आपको देना है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए है तो आप यहाँ के फ्लैट के ओनर बन सकते हैं, बाकी 40 लाख रुपीस आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक से आपका लोन हो जाएगा और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आप किसी भी बैंक से लोन करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग नोएडा में काम करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे वो जो फ्लैट्स हैं वहां पे 1.5-2 करोड़ रुपए से नीचे के कोई भी फ्लैट्स नहीं है। गुड़गांव में जो लोग काम करते हैं, अभी जो न्यू लॉन्चिंग आ रही है वही 3.5 करोड़ के आसपास आ रही है, लेकिन अगर यहां पे आप फ्लैट लेते हैं तो मात्र 50 लाख रुपए में वो जो पैसा 3 करोड़ आपका बचेगा वो डेली दिन में 4 बार आप कैब लेके आराम से आना जाना आप वहां पे कर सकते हो। तो बहुत ही सस्ते और किफायती रेट में आपको यहां फ्लैट मिलेगा। नोएडा की कनेक्टिविटीज की बहुत अच्छी है, मात्र 10 मिनट में नोएडा पहुंच सकते हो। इसकी मतलब मैंने एविएशन कनेक्टिविटी बताई, रोड कनेक्टिविटी बताई, इसके अलावा जो इंडियन रेलवे का गाजियाबाद स्टेशन है वो भी पास में है। अगर मैं नोएडा की बात करता हूं, इतना बड़ा सब सिटी बस चुका है, लेकिन इतना बड़ा सब सिटी होने के बावजूद भी नहीं, नोएडा से बहुत छोटे छोटे शहर हैं बहुत जिनमें रेलवे स्टेशन ऑलरेडी है, लेकिन नोएडा में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना है। यहां पे आपका गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है। यहां जो फ्लैट है बेसिकली हम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK सब सेगमेंट में बना रहे हैं, लेकिन सबसे पॉपुलरली यहां पे 3 BHK का डिमांड है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को एक लार्जर देन लाइफ जो बड़े साइज की रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पे आप मात्र 45 लाख रुपए प्लस अदर चार्जेस में यहां पे आप हमसे 3 BHK खरीद सकते हो मात्र 10 लाख रुपए में। सो मात्र 10 लाख रुपए देके आप अपने 3 BHK फ्लैट के ओनर बन सकते हो। तो अगर आपको भी यहां पे फ्लैट चाहिए और बेस्ट रेट पे और बेस्ट डिस्काउंटेड रेट पे चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हो फॉर द बेस्ट कंसल्टेंसी एंड द लीगल एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।